गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपके एलिमेंट्री कंप्यूटर प्रैक्टिकल का लेक्चर नंबर 16 है और इस लेक्चर नंबर 16 में हम देखेंगे कि किस प्रकार हम एमएस एक्सेल में कोई भी एक टेबल बनाएं और उसके अंदर अपना कुछ डेटा डालें और फिर कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करें। मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब कि जैसे कि मान लीजिए आपने कोई टेबल बनाई है और उस टेबल के अंदर आपके पास में कुछ प्रोडक्ट्स के यूनिट हैं, उनकी कॉस्ट प्राइस है और उस बेसिस पे आपने उनको बेचा भी है और आप प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की टेबल हम आज एमएस एक्सेल में बनाते हैं और आप देखिए ये आपके लेक्चर के अंदर जो टेबल है ये आपको एज इट इज ही बनानी है, तो आप भी इसको एज इट इज ट्राई करिए। देखिए ये जो ब्लॉक्स होते हैं इनको सेल कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे कर्सर लाकर अपनी टेबल बनाई, टेबल का पहला एलिमेंट है मेरा मंथ, मंथ लिख दिया। मंथ के पास में फिर मेरे पास है यूनिट कॉस्ट, मैंने इसमें यूनिट कॉस्ट डाल दी। उसके साथ फिर है यूनिट सेलिंग। देखिए आपको भी ऐसा का ऐसा ही बनाना है, चाहे तो आप मेरे साथ साथ पैरेलली बनाते जाइए। ठीक है, फिर है प्रॉफिट, ये प्रॉफिट मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप एंट्री डालते जाइए मंथ की, जैसे कि जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून। इस तरीके से आप अपने सारे मंथ्स डाल दीजिए। इस तरीके से सारे डाल दिए, अब आप यूनिट कॉस्ट भी डालते जाइए, जैसे कि मैं अब डाल रही हूं। आसानी तब होती है जब कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आप अपने न्यूमेरिक कीपैड से डालते हैं। आपके कंप्यूटर के कीबोर्ड के राइट हैंड साइड में एक न्यूमेरिकल कीपैड दे रखा होता है, अगर आप उसको यूज करते हैं तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज टाइप करने में आसानी होती है, जैसे मैं भी उसी को यूज कर रही हूँ फिलहाल। इस तरीके से मैंने दिसंबर तक की सारी वैल्यूज डाल दी है। अब सेलिंग प्राइस डाल रही हूं मैं। मुझे अभी नहीं पता है कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये हम मैथमेटिकली कंप्यूटर से कैलकुलेट करवाएंगे। आप चाहें तो मेरे साथ साथ अपने कंप्यूटर पे भी इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। शायद एक जगह गलती हो गई है। सिक्स फोर्टी, अगेन 1000 और 760। देखिए इस तरीके से मैंने अपनी टेबल का सारा डेटा डाल दिया। ये जनरल एक टाइपिंग है एक तरीके से और कुछ नहीं। अब इसको मुझे टेबल फॉर्मेट में देखना है। अब देखिए सामने दिख रहा है कि मेरा ये जो यूनिट सेलिंग है ये पूरा नहीं दिखाई दे रहा है। मैं जैसे ही इस पे कर्सर ले जाके इसको एक्टिव करती हूँ तो यहाँ पर मुझे पूरा नाम दिखता है, यूनिट सेलिंग प्राइस। तो मुझे क्या करना है, इसको पूरा अच्छे से दिखाना है। तो मेरे को क्या करना होगा, यहाँ पे कर्सर लेके जाइए और यहाँ पे जो आपका माउस का लेफ्ट मोस्ट बटन होता है उसको प्रेस करके और एरो की से राइट हैंड साइड में घुमाइए, तो देखिए ये ब्रॉड हो जाता है। तो अब देखिए, अब आपको पूरा लिखा हुआ नजर आ रहा है कि यूनिट सेलिंग प्राइस है। ठीक है, आगे समझ में। अब देखिए, अब इसमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अब जो भी मैथ्स के स्टूडेंट है वो आराम से प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं कि सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट प्राइस है। तो हमेशा प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट वो होता है कि सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी बजाय कॉस्ट प्राइस।
जैसे कि मैंने अगर कोई एक पेन खरीदा 5 रुपए में और उसको बेचा मैंने 10 रुपए में, यानी मेरी सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी और कॉस्ट प्राइस कम होगी। तो अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है तो मेरा फॉर्मूला क्या होना चाहिए कि मैं इसको 150 को 100 में से सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिलनी चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाऊंगी। फॉर्मूला लगाने के लिए आपको जहां पे भी लगाना है उस सेल को सेलेक्ट करना होगा। ये देखिए गर्ल्स, ये आपकी कहलाई जाती है फॉर्मूला बार। आपको कोई भी मैथमेटिक्स का फॉर्मूला लगाना है तो आप यहाँ आ जाइए और यहाँ पर अपना फॉर्मूला लिखिए। अब देखिए, फॉर्मूला लिखने के लिए आपको सबसे पहले लिखना पड़ता है इक्वल्स टू लिखा, और उसके बाद में मुझे अब क्या करना है, ये जो कॉलम है सी, इस सी कॉलम में से बी कॉलम को सब्ट्रैक्ट करना है। आ गई बात समझ में? तो सबसे पहले मैं एक के साथ में ट्राई करके देखती हूँ, ये वाला। अब देखिए इसका नंबर नाम क्या है, C3। ये C3 कैसे आया ध्यान से देखिएगा, कॉलम नंबर सी है और रो नंबर 3 है, तो इस सेल का एड्रेस कितना हुआ, C3। तो मेरे को इसको सेलेक्ट करा तो ऑटोमेटिकली C3 आ गया। अब मुझे क्या करना है, C3 में से माइनस करना है कौन सा, ये वाला। तो देखिए अपने आप आ गया B3, ठीक है, क्योंकि इसका एड्रेस कितना है, बी तो कॉलम है और रो 3 है, और मुझे यहाँ पे क्या कर देना है, एंटर। क्या आया आंसर, 50। ऑब्वियसली 150 में से अगर 100 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 50 ही आएगा, और क्योंकि ये पॉजिटिव है इसका मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है। अब देखिए बार बार आप ये कैलकुलेट नहीं करें, एक बार एक सेल के लिए जब आप कैलकुलेट कर देते हैं तो आपको क्या करना है, उस सेल को सेलेक्ट करके आपको ये डार्क स्क्वायर दिख रहा है, ये देखिए मेरा कर्सर जहां पे प्लस का साइन कर रहा है ना, वहां पर आप कर्सर को दबाइए माउस से और नीचे खींचते हुए लेकर आइए, देखिए इस तरीके से। अब ये क्या कर रहा है, बाकी के सभी सेल्स को सेलेक्ट कर रहा है, और देखिए ऑटोमेटिकली आंसर आ गया। ये कैसे हुआ, मैं एक बार वापस से अंडू करके वापस से बताती हूँ। मैंने क्या किया था, मैंने इस सेल के लिए प्रॉफिट कैलकुलेट किया। इस सेल का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, जब मैं इस सेल को माइनस करूंगी इससे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये इसका इसका एड्रेस कितना है, इस सेल का एड्रेस क्या है, इतना है C3, और इसका कितना है B3, यानी मुझे क्या करना है, C3 माइनस B3। देखिए मैं इस पे फॉर्मूला दिखाती हूँ वापस, मैंने क्या लिखा, इक्वल्स टू C3 माइनस B3। जैसे ही मैं इसको एंटर करती हूँ मेरे पास क्या आता है, 50। अब बार बार हर एक सेल के लिए कैलकुलेट करने की जगह मैं क्या करूंगी, ये इसको सेलेक्ट करूंगी और यहां पर लाऊंगी, जब भी प्लस का साइन आ जाएगा तो इसको खींचते हुए नीचे ड्रैग करूंगी और ये छोड़ दूंगी, कर्सर को छोड़ दूंगी। तो देखिए अपने आप ऑटोमेटिकली मेरे सारे आंसर्स आ गए, और देखिए सब में मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब मैं कहीं भी लॉस में नहीं हूं, ठीक है। तो इस तरीके से आप मैथमेटिकली प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसका एमएस एक्सेल से करने का फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि आपने सिर्फ एक को कैलकुलेट करा, बाकी के सारे आपके पास ऑटोमेटिकली आ गए। तो जब कभी भी आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे एक सेल पे, तो वो आप ड्रैग करोगे ना उसको, तो वो बाकी के सभी के लिए ऑटोमेटिकली आंसर ले लेगा, ठीक है। अब देखिए ये देखने में ठीक है, कैलकुलेट हो गया, आपको प्रॉफिट मिल गया, लेकिन ये टेबल थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है, तो उसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग कर देते हैं। फॉर्मेटिंग मतलब सबसे पहले यहाँ से इसको सेलेक्ट करते, इसको यहाँ तक लेकर आते हैं और इसकी बाउंड्री बना देते हैं। ये दिख रहा है आपको बाउंड्री का, इसको मैंने टिक किया, मुझे इस तरीके की ऑल बॉर्डर्स चाहिए, मैंने ऑल बॉर्डर बना दिया, अभी अच्छा लग रहा है। सिमिलरली इसको सेलेक्ट करके बोल्ड कर देती हूँ, इसको सेलेक्ट करके बोल्ड कर दिया, तो ये और अच्छी टेबल मुझे दिखेगी। अब नेक्स्ट बात आती है कि मुझे प्रॉफिट तो मिल गया, अब मैं इसका चार्ट बनाना चाहूंगी कि मुझे प्रॉफिट का चार्ट दिखे, ठीक है, और वो भी मेरा लाइन चार्ट हो, ठीक है, कॉलम चार्ट हो और लाइन चार्ट हो। चलिए देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे इस पूरी टेबल को सेलेक्ट करना पड़ेगा, अगर मुझे इस पूरी टेबल का चार्ट बनाना है तो, और मैं कहां जाऊंगी, इंसर्ट में, ये दिख रहा है आपको, कॉलम पे गई, कैसा कॉलम चार्ट चाहिए मुझे, मैंने कहा मुझे ऐसा चाहिए, तो ये देखिए ये चार्ट बन के आ गया, दिख गया आपको, ये मेरा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई के लिए क्या प्रॉफिट रहा, यूनिट कॉस्ट कितनी रही, यूनिट सेलिंग प्राइस कितनी रही और प्रॉफिट कितना रहा,
ये सभी का सभी मेरे पास में एज बीइंग अ कॉलम चार्ट आ गया। देखिए आ गया समझ में, लेफ्ट हैंड साइड की ये वाई एक्सिस मेरे को शो कर रही है कि मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ है, फिगर फिगर वाइज की ये फिगर है एक्चुअली में। और ये जो लाइंस हैं, ब्लू ब्लू शो कर रहा है यूनिट कॉस्ट, रेड शो कर रहा है यूनिट सेलिंग प्राइस, और ग्रीन शो कर रहा है प्रॉफिट। अब इसको और अच्छे से बनाते हैं। इसको और अच्छे से बनाने के लिए देखिए, आप अपने चार्ट पे राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद में अगर आपको इसके रिगार्डिंग में कुछ चेंजेस करने हैं तो आप कर सकते हैं। अगर मुझे लगता है कि नहीं ये जो चार्ट मैंने बनाया है ये चार्ट कॉलम ना होके कोई और तरीके का चार्ट हो, लाइक पाई लाइन चार्ट हो, तो आप लाइन चार्ट भी बना सकते हैं। तो देखिए लाइन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। और अगर आप इसको चाहते हैं कि नहीं ये इस तरीके का अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे किसी और तरीके का चाहिए, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैं तो इसका फॉर्मेट कर देती हूँ कि बॉर्डर हो जाए ग्रेडियंट तरीके की। यहां से आप देखिए डिजाइन चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, देखिए बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो ये आपका था लाइन चार्ट, और आप चार्ट को किसी और तरीके से भी चेंज कर सकते हैं, चेंज द चार्ट टाइप, और उसको आप चाहे तो कॉलम भी बना सकते हैं। ये आपने कॉलम चार्ट बना दिया, कलर वाइज भी आप इसको चेंज करते हैं, आपको जैसा कलर चाहिए वैसा आप इसमें चेंज कर सकते हैं। तो ये था आपका आज का ये लेक्चर कि किस तरीके से आप एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल में डेटा इंसर्ट करते हैं, फॉर्मूला बार पे जाके प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, और वहां पर उसका चार्ट बनाते हैं, कॉलम चार्ट और लाइन चार्ट भी आप इसका बना सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ में आया होगा।